वेलकम बैक टू मेरे कलोनी क्लासेस। मैं एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कलोनी क्लासेस। आज मैं फिर से ले आया हूँ आपके लिए हेल्पिंग वर्ब्स, लेकिन वो फॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ये इनफॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यानी इनफॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स कहने का मतलब है जिनका प्रयोग आप अपने दोस्तों के साथ करते हो, आप अपने से छोटों के साथ करते हो, सगे संबंधियों के साथ करते हो, या जिनसे आपका रिलेशन काफ़ी निकट है, नज़दीक है, आप उन लोगों के साथ इनफॉर्मली बात करते हो, यानी इनफॉर्मल तरीके से बोलते हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि इनफॉर्मल वे से ज़्यादा सेंटेंसेज अंग्रेजों के द्वारा बोले जाते हैं? यानी जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो इंग्लिश मैन हुआ करते हैं, उनके द्वारा देखा जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में वो लोग बोला करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मली तरीके से वो बोला करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोनंसिएशन में हमसे कहीं डिफरेंट उच्चारण करके बोला करते हैं, जिनके कारण हमें उनकी भाषा उतनी समझ में नहीं आती है। लेकिन आज के बाद से आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, प्रोनंसिएशन का, इनफॉर्मल तरीकों का, फॉर्मल तरीकों का, यानी शॉर्ट तरीकों का। जब ये तीन चार तरीके आप अपने अंदर क्रिएट कर लोगे ना, तो मुझे लगता है कि आपको अंग्रेजों की भाषा भी निश्चित रूप से समझ में आएंगी। जैसे कि कल मैं बात कर रहा था उस वीडियो के बारे में कि मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा कि अंग्रेज़ों की भाषा समझ में हमें क्यों नहीं ठीक से आती है, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो आपको देने वाला हूँ। बस आज जो मैंने सिंपली बताया है उसको आप फॉलो करना, और वो तो आपको पता चल ही चुका है कि आपको अंग्रेज़ों की भाषा उतनी समझ में क्यों नहीं आती है। फिलहाल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ही हेल्पिंग वर्ब के बारे में, है ना, जिसका यूज़ हम बहुत सारे सेंटेंस में करने वाले हैं। जब कभी भी आपको हिंदी क्रिया के अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं आता है, या फिर चाहिए आता है, तो आप कैसे बनाते हो? आप वॉन्ट टू या वॉन्ट्स टू करके बनाते हो। आप जानते हो कि वॉन्ट टू और वॉन्ट्स टू के बदले ही वन्ना का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जब आप वॉन्ट या वॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हो तो भी आप उसके लिए इनफॉर्मल इंग्लिश के रूप में आप वन्ना का इस्तेमाल करते हो। तो आज यही मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि वॉन्ट टू और वॉन्ट्स टू के लिए वन्ना का इस्तेमाल करोगे, ये किन के साथ आता है मैं बता देता हूँ। आई वी यू दे के साथ वॉन्ट टू, और बाकी जो बचते हैं ही शी इट सिंगुलर, उनके साथ वॉन्ट्स टू का इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही आप इनफॉर्मल तरीके में आओगे ना, आपको ये वॉन्ट टू और वॉन्ट्स टू नहीं लिखना होगा, बस वन्ना लिख देना होगा, डब्ल्यू ए डब्ल्यू एन ए। अब इसकी बात करें, वॉन्ट और वॉन्ट्स के साथ जब टू नहीं आता है ना, तो इसके बाद डायरेक्ट नाउन आता है, और जब नाउन आता है तो इसकी हिंदी क्रिया होती है चाहिए। जैसे कि मुझे कलम चाहिए, आई वॉन्ट ए पेन, उसे कलम चाहिए, ही वॉन्ट्स ए पेन। यानी टू नहीं आता है जब नाउन आना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसे केस में भी वन्ना का ही इस्तेमाल होता है। यानी वॉन्ट टू हो तो भी वन्ना, वॉन्ट्स टू हो तो भी वन्ना, और वॉन्ट या वॉन्ट्स हो तो भी वन्ना का ही इस्तेमाल होता है। अब हम सेंटेंसेज को देखेंगे और बनाएंगे। यहाँ का सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर ना चाहता हूँ आया, और मैं आपको बता रहा था कि ना चाहता है, ना चाहती है, ना चाहते हैं, जब भी ऐसा आपको दिखे तो आप वॉन्ट टू और वॉन्ट्स टू का प्रयोग करते हो। लेकिन किस रूप में? फॉर्मल रूप में। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ इनफॉर्मल रूप में, यानी इनफॉर्मली आप कैसे बोलोगे ऐसे सेंटेंसेस को। तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं के लिए आपने आई कर दिया, है ना, चाहता हूँ के लिए आपने वन्ना कर दिया, है ना, रहने के लिए आपने लिव कर दिया, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए आपने हेयर कर दिया। यानी फिर से एक बार, मैं के लिए आई कर दिया, चाहता हूँ के लिए आपने वन्ना कर दिया, रहना के लिए आपने लिव कर दिया, और फिर यहाँ के लिए आपने हेयर कर दिया। दूसरे वाले सेंटेंस को देखते हैं, वह तुमसे मिलना चाहती है। देखिए आप यहाँ पर फिर से ये ना चाहती है, हमारी हिंदी क्रिया आई है, और मैं पहले बता चुका हूँ ना चाहता है, चाहती है, चाहते हैं वाले को वॉन्ट टू और वॉन्ट्स टू से बनाते हैं। वॉन्ट्स टू कब लगाते हैं? जब ही शी इट आता है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि शी आया है और शी के साथ, है ना, वॉन्ट्स टू लगता अगर मैं फॉर्मल तरीका का इस्तेमाल करता तो। लेकिन हम तो इनफॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, तो हमें इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है हम पर कि भाई हम वॉन्ट्स करें कि वॉन्ट करें, वॉन्ट्स टू करें कि वॉन्ट टू करें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें वन्ना कर देना है सब के साथ। तो वह की इंग्लिश यहाँ पर मैंने शी कर दिया है, पता है क्यों? क्योंकि चाहती है, यानी फीमेल की बात हो रही है, ठीक। अब चाहती है कि इंग्लिश क्या लिखेंगे, वही फिर से वन्ना लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर चाहता हूँ के लिए वन्ना आया था, यहाँ चाहती है के लिए फिर वन्ना आया। मिलना, मिट, तुमसे, यू, फिर से एक बार, वह के लिए शी, चाहती है के लिए वन्ना, मिलना के लिए मिट, और तुमसे के लिए यू। यानी पहले आप ऐसे चलते हो, अंत में जाते हो, और तब ऐसे चले आते हो। जैसे कि इसमें भी बताया था, पहले इसको मैंने बताया, तब इसको बताया, तब इसको, और तब इसको मैंने बता दिया है। यही तरीका होता है ट्रांसलेट करने का, और ये तरीका 95% काम कर जाता है। इस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अब हम बात करते हैं कि जब चाहिए के अर्थ में वन्ना का इस्तेमाल हो, जैसे कि मुझे पैसा चाहिए,
है ना, तो मैं क्या बोलता, आई वॉन्ट मनी, लेकिन मैं वॉन्ट ना बोल करके मैं वन्ना बोलूँगा उसको। क्यों? क्योंकि मैं इनफॉर्मल तरीकों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो अंग्रेज़ ज़्यादातर इस्तेमाल किया करते हैं या ब्रिटिशर्स या इंग्लिश मैन जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो मुझे पैसा चाहिए, आई वन्ना मनी। तुम्हें धन या दौलत चाहिए, यू वन्ना प्रॉपर्टी या वेल्थ। हम लोगों को शांति चाहिए, वी वन्ना पीस। तुम लोगों को बहुत पैसे चाहिए, यू वन्ना ए लॉट ऑफ मनी। ऐसे आप लाखों सेंटेंसेस क्या करोड़ों सेंटेंसेस बना सकते हो। तो मुझे आई चाहिए वन्ना, और इन दोनों में वन्ना का मतलब क्या था, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, लेकिन यहाँ वन्ना का मतलब है सिर्फ चाहिए। अब क्या पैसा, तो मनी। अब इसको देख लेते हैं, उसे दौलत चाहिए, उसे की इंग्लिश क्या होती है, ही या शी होती है। मान लो कि मैंने मेल माना तो ही कर दिया और फीमेल माना तो मैंने शी कर दिया। अब चाहिए, तो फिर चाहिए के लिए हमने वन्ना का इस्तेमाल कर दिया। अब क्या दौलत, तो वेल्थ कर दो, या यहाँ पर आप प्रॉपर्टी भी कर सकते हो, पी आर ओ पी ई आर टी वाई, लेकिन मुख्य रूप से ये वाला बेटर माना जाता है धन या दौलत के लिए, तो मैंने वेल्थ का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो फिर से मैं आपको बता दूँ कि जब कभी भी आप इनफॉर्मल तरीके से बोलना चाहो तो वॉन्ट टू के बदले वन्ना कहना, wants to के बदले वन्ना कहना, want के बदले वन्ना कहना, या wants के बदले वन्ना कहना, आपका सब्जेक्ट क्या है उससे कोई मतलब नहीं। आई है, वी है, यू है, दे है, ही शी इट है, कुछ भी मतलब नहीं है, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, बस हमें वन्ना का इस्तेमाल कर देना है। आगे से याद रखना है कि want और wants के बदले वन्ना का इस्तेमाल करते हैं, और want to के बदले भी वन्ना का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे शब्दों का ज़्यादातर यूज़ अंग्रेज़ लोगों के द्वारा होता है, फॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि इनफॉर्मल तरीके से होता है। और हम इंडियन भी आजकल अपनी भाषा में इनफॉर्मल तरीकों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा लोगों को वन्ना कहते हुए। तो जब भी लोगों से आप वन्ना सुनना ना, तो आज के बाद ये समझना कि ये बंदा चाहिए वाला सेंटेंस बोलना चाहता है, यानी बोल रहा है, या फिर चाहता है, चाहती है, चाहते हैं वाला सेंटेंस बोल रहा है। अब आप समझ सकते हो। मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये जो वर्ड मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीकों की जिस तरीके से मैंने बात की है, जिस तरीके से मैंने सेंटेंसेस को फ्रेम करके बताया है, वो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना जो लोग इनफॉर्मल वे को नहीं समझ पाते हैं, जो लोग इनफॉर्मल इंग्लिश को उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग भी कह देना चाहूँगा।